Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ कहते हैं, आजादी इजहार के हक पर पुख्ता यकीन रखता हूँ। नून लीग के हक में लिखने वालों को हिरासा करना काबिले मजम्मत है। वजीर दाखला फौरी नोटिस लें। तब्दीली की सबसे ज्यादा जरूरत सिंध में है। सिंध के लोगों का पैसा चोरी होकर बाहर गया। जुल्म और लाकानूनियत के बायस छोटे किसान पानी से महरूम है। इमरान खान की तनकीद। सुषमा स्वराज से पाकिस्तानी हाई कमिश्नर सुहेल महमूद की मुलाकात में किसी मखसूस मामले पर बात नहीं हुई। पाक भारत ताल्लुकात पर बातचीत हुई। भारतीय मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। भारतीय मीडिया ने दावा किया था कि सुषमा स्वराज ने सुहेल महमूद के सामने कुलभूषण जाधव का मामला उठाया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन का एक और स्कैंडल। 11 सरकारी कॉलोनियों की मुरम्मत और तजीनों आराइश सिर्फ कागजात में हुई। 45 करोड़ रुपए हड़प कर लिए गए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में करप्शन का पर्दाफाश। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में हामिला खवातीन के साथ बुरा सलूक जारी। रायबंद और लाहौर के बाद अब तहसील अस्पताल तांदियावाला में भी हामिला खातून को दाखिल करने से इनकार कर दिया गया। दूसरे अस्पताल में भेजा गया तो खातून ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दे दिया। अस्पताल के बाहर सचकी के वाकयात कोई बड़ी बात नहीं। मीडिया राई का पहाड़ बना रहा है। अस्पताल की तरह एम्बुलेंस में भी सहूलियात मौजूद थी। वजीर सेहत पंजाब की निराली मंतक। असिस्टेंट कमिश्नर कहते हैं, एम्बुलेंस की आमद में ताखिर का नोटिस ले लिया। जो भी जिम्मेदार होगा कार्रवाई होगी। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में मसीहाओं को लाहक हड़ताल का मर्ज 20वें रोज भी दूर न हुआ। मरीज इलाज के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर। क्वेटा के सरकारी अस्पतालों में भी डॉक्टरों की टोकन हड़ताल। मरीजों के लिए दर्द सर बन गई। नॉर्थ कराची इंडस्ट्रियल एरिया पुलिस की कार्रवाई। बयाना दहशतगर्द धर लिए गए। मुलजमान से 3 रॉकेट लॉन्चर और 5 बारूदी सुरंगें बरामद। कराची के इलाके औरंगी टाउन में खातून को घर से अगवा करने की कोशिश नाकाम। मुलजिम खातून को एम्बुलेंस में अगवा करके ले जा रहे थे कि शोर मचाने पर मोहल्लेदारों ने पकड़ लिया। चारों मुलजिम गिरफ्तार। सवात में 2 पुलिस एहलकारों की लाशें बरामद। पुलिस एहलकार 2 दिन से लापता थे। एबटाबाद के निजी स्कूल में सबक याद ना करने पर उस्ताद ने मुबैना तौर पर बच्चे को बुरी तरह पीट कर जख्मी कर दिया। उस्ताद बासर है, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। वालिद का शिकवा। शेखुपुरा में भी उस्ताद ने क्लासरूम की सफाई ना करने पर तालिबे इल्म को तशद्दुद का निशाना बनाया। गुजरावाला से ताल्लुक रखने वाले 270 इश्तिहारी मुलजिम बैरून मुल्क रूपोश। इंटरपोल ने पुलिस की दरखास्त पर रेड वारंट जारी कर दिए। खुसूसी टीमें गिरफ्तार करके वापस लाएंगी। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे से फैसलाबाद की पारलूम इंडस्ट्री बदहाली का शिकार। कई फैक्ट्रियां बंद हो गई। मजदूरों के घरों में चूल्हे ठंडे। जर्मनी के शहर म्यूनिख में एक शख्स ने चाकू मारकर मुतादिद अफराद को जख्मी कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की उम्र 40 बरस है। तलाश जारी। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की फायरिंग से मुतासर अफराद का इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर मुजाहरा। शोहदा और जख्मियों के लिए मुआवजा देने का मुतालबा। दुनिया में अमन के लिए फलस्तीन का मसला हल किया जाए। मकबूजा फलस्तीनी इलाकों में गैर कानूनी यहूदी बस्तियों की तामीर रोकी जाए। मलिहा लोधी का सलामती काउंसिल में मुतालबा। मिस्र के जिला बलती में दहशतगर्दों का बड़ा हमला। मरने वाले पुलिस एहलकारों की तादाद 52 हो गई।